गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज हम इंग्लिश में करेंगे पेज 36 पे ये बुक एक्सरसाइज है सी वाला, रीराइट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द गर्ल वेंट विद अ फादर टू द मार्केट। तो इसमें जो पॉसिबल वर्ड्स लग रहे हैं कि जिनके जेंडर चेंज हो सकते हैं, आपको उन्हें चेंज करना है। जैसे कि द गर्ल का क्या हो जाएगा, बॉय वेंट विद हिस मदर, यहाँ पे हर का हो जाएगा हिज, फादर का मदर, टू द मार्केट। द बॉय वेंट विद हिज मदर टू द मार्केट। तो ऐसे ही सेकेंड में है शी सॉ हर कज़न विद हिज डॉग। तो शी का हो जाएगा ही सॉ हर कज़न। अब कज़न जो है कॉमन है, लड़का लड़की दोनों के लिए यूज़ होता है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। विद हिज डॉग, डॉग का क्या हो जाएगा, बिच। ही सॉ हर कज़न विद हिज बिच। ओके, थर्ड है इट वॉज बार्किंग ऑन अ ब्राइड। तो ये हो जाएगा इट वॉज बार्किंग ऑन अ ब्राइड ग्रूम। तो जो भी टोटल पूरे जो है 12 सेंटेंसेस है, जो भी मुझे लग रहा है, मुझे लगा कि इसमें सेंटेंसेस जो है इनके जो वर्ड्स के जो जेंडर है वो चेंज हो सकते हैं, मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया है। तो बाकी का जो काम है वो आप अपने आप करोगे, लाइक जो जेंडर है वो आप खुद ही चेंज करोगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको अपने आप करना है अपनी बुक में। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग कर लोगे। हिंदी में पार्ट 5 है लिंग, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको। तो पहला है लिंग से क्या पता चलता है। तो लिंग से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। लिंग के कितने भेद हैं, तो लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, बहुत ही सिंपल है और इसको आपको लर्न भी करना है। देन कंप्यूटर में चैप्टर 3 के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे, आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा परमानेंटली, ये इसका आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ इनपुट कैन अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कैसा इनपुट जो अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड द फिजिकल इंस्ट्रक्शन लाइक प्रेसिंग की इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बाय यूजिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो कंप्यूटर है वो फिजिकल इंस्ट्रक्शन लाइक प्रेसिंग की और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है अंडरस्टैंड करता है। क्वेश्चन है थर्ड है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसका आंसर है देर आर टू टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, प्लस इसको आपको लर्न भी करना है। एंड मैथ्स में आपको टेबल लिखना है 2 to 20, प्लस इसको टेबल जो है आपको रिवाइज करना है, जिनको लर्न नहीं है वो लोग लर्न कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अपनी कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।